उत्तराखंड के चमोली में ये ना रुकने वाला सैलाब था। इसकी ताकत के आगे ऐसे बांध भी बेबस थे। तबाही मचाते हुए सैलाब नीचे आ रहा था, अपने साथ सब कुछ बहा ले जा रहा था। सबसे पहले रेडी गांव के पास ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में तबाही मचाई। सैलाब के सामने डैम की तस्वीरें मिट्टी की तरह ढह गई, पावर प्रोजेक्ट को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। पानी से बिजली बनाने का ये प्रोजेक्ट 2005 में ऋषि गंगा नदी पर बना था। 130 मेगावाट क्षमता का ये प्राइवेट प्रोजेक्ट है, जिस पर पर्यावरण उल्लंघन के आरोप और कई विवाद भी रहे हैं। रैणी गांव के लोग इसका विरोध करते रहे। इसके बाद मलबे के साथ सैलाब ने एक और पावर प्रोजेक्ट में तबाही मचाई। ये पावर प्रोजेक्ट धौली गंगा पर तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट था। ये पावर प्रोजेक्ट धौली गंगा पर तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट था। सरकारी कंपनी एनटीपीसी का इस इलाके में दूसरा पावर प्रोजेक्ट था। 520 मेगावाट क्षमता का ये प्रोजेक्ट 2006 में बनना शुरू हुआ था। इसका 70% काम हो गया और 2021 में इस प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट होना था, लेकिन इस तबाही से पावर प्रोजेक्ट को काफी नुकसान हुआ। दोनों पावर प्रोजेक्ट की साइट्स पर करीब 200 लोग काम कर रहे थे। आसपास कई और प्रोजेक्ट्स भी हैं। ऐसी प्रलय के बीच यहाँ काम कर रहे लोगों को निकालना बहुत बड़ी चुनौती थी। अरे जल्दी आ। लेकिन तपोवन से रेस्क्यू में बहुत तेजी से काम हुआ। आईटीबीपी के जवानों की जांबाजी से कैसे जाने बचाई गई, आप इन तस्वीरों में देखिए। आप लोग ऐसी प्रलय में एक एक जान बचाना बहुत बड़ी चुनौती। प्रलय की तस्वीरें देखकर आपको 2013 की याद आ गई। यहाँ 5,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। केदारनाथ की आपदा से इस बार की तुलना तो नहीं की जा सकती, लेकिन सरकार और सिस्टम ने कोई देर नहीं लगाई, तुरंत सब एक्टिव हो गए। प्रधानमंत्री असम और बंगाल के दौरे पर थे, लेकिन वहाँ से उत्तराखंड के सीएम से बात कर रहे थे और हालात को मॉनिटर कर रहे थे। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री एनडीआरएफ के अफसर, उन सब से निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 16 दिनों में दूसरी बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। हल्दिया में उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत सबसे पहले उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा आई है उससे की। उन्होंने कहा कि हम एक तरफ माँ गंगा की छोर पर हैं, लेकिन गंगा का जो उद्गम स्थल है वहाँ पर प्राकृतिक आपदा पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, और इसी के साथ वहाँ के लोगों को एक बड़ा भरोसा देने की भी कोशिश प्रधानमंत्री की ओर से की गई। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से लेकर सबकी हालात पर लगातार नजर है। उत्तराखंड के सीएम तुरंत प्रभावित इलाकों में पहुंच गए। डॉक्टर्स की टीम हमारे पास है, हमारे पास रेस्क्यू के लिए हमारे पास आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, ये सब हमारे पास है।
हेलीकॉप्टर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, आवश्यकता पड़ने पर उनका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए जो एक रेस्क्यू टीम चाहिए वो हमारे पास पूरी उपलब्ध है, और उसके लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए वो हमारे पास उपलब्ध है। अच्छी बात ये रही कि जैसे ही अवलॉन्च के बाद ग्लेशियर से आए सैलाब और फिर तबाही हुई, तुरंत सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए इसका पता चल गया। मोबाइल की क्रांति के बाद एक और बहुत बड़ा लाभ हुआ है कि जिस प्रकार से सब हुआ और शुरू से ही ये एकदम सोशल मीडिया में इसके वीडियो और फुटेज आने लग गए और चर्चा होने लग गई, उस कारण भी जन जागरण बहुत तेजी के साथ हुआ है, उसका लाभ भी आज हमको बहुत मिला है। और आज लगता है कि आमतौर पर सोशल मीडिया का तो नकारात्मक यूज होता है, लेकिन आज बहुत सकारात्मक उपयोग हो रहा है और लोगों की जान बच रही है इसके कारण। का फायदा यह हुआ कि जोशीमठ से लेकर नीचे पीपलकोटी, चमोली, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार तक हर जगह वक्त रहते अलर्ट कर दिया गया। इसके कारण कर्णप्रयाग से नीचे श्रीनगर में जो डैम है वहां पर पानी को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया, जिससे नीचे तबाही का खतरा बहुत कम हो गया।